इंदौर शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में चिन्हित है और इसी को लेकर शहर की सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान कई बाधित निर्माणों को जमींदोज भी किया गया, जिसका जिम्मा नगर निगम के सिंघम कहे जाने वाले निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान को दिया गया है। हमारे खास कार्यक्रम टुडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह चौहान से। हमारे खास कार्यक्रम टुडेज स्पेशल में आज हम बात करेंगे इंदौर के सिंघम। जी हाँ, नगर निगम में उन्हें सिंघम ही पहचाना जाता है, यही नहीं पूरा शहर भी उन्हें सिंघम के नाम से जानता है। और उनका नाम है महेंद्र सिंह चौहान, जो नगर निगम में उपायुक्त के पद पर कार्यरत है। और उन्हें एक ज़माना था कि बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। महेंद्र सिंह चौहान के बारे में भी कुछ ऐसे ही कहा जाता है कि वो जब बुलडोजर लेकर निकलते हैं तो फिर किसी का भी अवैध निर्माण हो वो छोड़ा नहीं जाता। महेंद्र जी, आपका स्वागत है डिजाइना न्यूज़ पर। और आप लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और कई सारे निर्माण अवैध हो या अधिकारियों के निर्देश पर वैध हो उन्हें तोड़ने की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, तो ये आप में ललक है या एक जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने जितने निर्माण तोड़े हैं तो मैं अपने आदेश और निर्देश और रिकॉर्ड के हिसाब से कह सकता हूँ कि वे अवैध थे। दूसरी बात ये है कि कोई भी काम दिया हो, चाहे आज मेरे पास अगर रिमूवल का है तो ठीक है, इसके पहले अगर अन्य काम भी रहे हैं मेरे पास तो भी वो इतनी ही लगन से किए गए, क्योंकि काम इसलिए लगन से करना आवश्यक है कि हम नौकरी करते हैं, हम नौकर हैं, शासकीय सेवक हैं, शासकीय सेवक हैं, नौकर हैं, तो हमें उसका बकायदा जो भी हमारी सेवा के प्रतिस्वरूप जो होता है उसका मेहनताना दिया जाता है। और अगर हम मेहनताना ले लेते हैं तो मेहनताना का हमें एक एक पैसे का कर्ज तो साफ चुकाना पड़ेगा और वो हमारे कार्य की पद्धति में शैली में दिखना चाहिए। जी, इंदौर शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए कई सारे निर्माणों को तोड़ा गया। आमतौर पर ये देखने में आया कि कई सारे अधिकारी, आपसे पहले भी मैं लंबे समय से नगर निगम कवर करता आ रहा हूँ, कई सारे रिमूवल अधिकारी हैं वो अपने मातहतों को निर्देश देते आए हैं और उनसे कार्रवाई करते आए हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि आपने आगे बढ़कर, यहाँ तक कि ये भी देखा है कि आपने बुलडोजर पर चढ़कर कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुँचाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो निर्देश आदेश प्राप्त हुए उसका पालन करना, उसका पालन करने के लिए मुझे जो भी नियमों के अंतर्गत कानून की परिभाषा में रह कर के करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और मैं वो करता हूँ। अगर मुझे मशीन के साथ रख खड़ा रहना आवश्यक लग रहा है उस समय तो मैं बुलडोज़र के साथ खड़ा रहता हूँ। अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं, इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि मैं सामने खड़ा रहूँ, अगर मैं कुछ दूर खड़ा रह सकता और काम हो सकता है तो उस तरह से काम होता है। लेकिन कभी कभी ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बुलडोज़र तो चल रहा है, मेरे निर्देशों पर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो बुलडोज़र चलाने वाला ऑपरेटर है, जो जेसीबी पोकलैंड चला रहा है, वो अंदर से गलती कर सकता है और स्थिति कुछ और निर्मित हो सकती है। उस स्थिति के अंदर मैं बकायदा बुलडोज़र में या पोकलैंड या जेसीबी में बैठा हूँ। और कई बार ये रहा कि एक बार ये का मुझे वाकया याद आता है कि जब हम ये ढेरीली सब्जी जो नालों के किनारे उगती है उसको हम लोग उखाड़ रहे थे, उस अभियान में लगे हुए थे, और उस वक्त ये अपना जो एमपीबी का ऑफिस है कुलकर्णी भट्टे पे, वहाँ जब हम लोग पहुँचे थे और जब मैं खेतों के अंदर चला हूँ तो वहाँ पे एक सांप, दो सांप मालूम पड़ा कि कई सांप निकल रहे हैं। उस स्थिति के अंदर ये हुआ कि टीम लौटने लगी थी, लेकिन फिर मैंने एक निर्णय लिया था कि टीम लौटेगी नहीं, अंदर कोई आदमी नहीं जाएगा। और उस स्थिति में मैं जेसीबी में बैठा था और बैठ करके उस खेत में मैंने जेसीबी चलवाई थी। मुझे सिर्फ उनके जो वहाँ पे जहरीले इस तरह के जीव जंतु थे उनसे बचना था, लेकिन बचा और काम हुआ और काम होता रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने इंदौर शहर में इतने सारे वैध अवैध निर्माण तोड़ दिए हैं तो ये कोई एक रिकॉर्ड कायम हो गया हो, कोई लिम्का बुक में रिकॉर्ड कायम हो गया हो, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए साहब, ऐसा है कि ये मेरे दिमाग में तब आता है कि मैंने इस बात को किसी और जगह से कंपेयर किया गया होता। मैं तो सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैंने पीछे पलट करके नहीं देखा कि कितना विध्वस्त है या कितना अच्छा हो चुका है। मुझे काम दिया गया है, मैंने काम किया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आत्मसंतोष है यहाँ काम करते हुए। मैं जब आईना देखता हूँ तो मैं मुस्कुरा देता हूँ अपना चेहरा देख करके, और मुझे वही एक आत्मविश्वास कायम करता है। ये ज़रूर है कि यहाँ जो लोग कहते हैं कि इंदौर शहर में जो भी अतिक्रमण हटाने के लिए काम हुआ है
चाहे वो अतिक्रमण मूवेबल हो या अनमूवेबल हो, वो जो हम लोग आसपास के शहरों के लोगों जो आते हैं उनसे सुनते हैं या आप जैसे जो मेरे प्रेस के दोस्त हैं वो लोग बताते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो कहीं और ये काम होगा और मध्य प्रदेश के बाहर भी ऐसा सुनने को मिला नहीं है। आप ये देखें उसकी स्थिति आज आपको दिखेगी। आज से 3-4 साल पहले आप इंदौर शहर में किसी भी सड़क पर चले जाइए, किसी भी फुटपाथ पर चले जाइए, बाकायदा वहाँ लाइन से लगे हुए ठेले स्टूल रखे हुए हैं, सड़क पे हॉकर्स बैठे हैं। मतलब फुटपाथ जो था ये हॉकर्स के लिए हो गया था, अतिक्रमण करने के लिए हो गया था, और लोग बाग जो थे वो सड़कों पे चलते थे, गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी रहती थी, और जो सड़क पे गाड़ियाँ जो डबल रोड था वो सिंगल हो चुका था, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा इसका जो हमें परिणाम देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि पहले स्थिति ये थी कि एक ही रोड के ऊपर हमें लगातार मूव करना पड़ता था। हमने जैसे MG रोड ले लिया तो सारा दिन MG रोड पे घूम रहे और हर चौथे बार में कोई ना कोई मिल जाता था। आज की स्थिति में नहीं, आज की स्थिति में हमारे पास कुल मिलाकर के रिमूवल के अंदर 11 दल काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कि दिन में 6 दल होते हैं, 2 दल जानवर पकड़ने के लिए, एक महिला दल है, एक रात्रिकालीन दल है, अलग अलग लगा हुए हैं, और 6 दल जो है दिन में चलते हैं। ये पूरा का पूरा इंदौर शहर कवर कर रखा है। उसमें आप देखिए बस ये लोग जहाँ से जाते हैं और एक ही रिपोर्ट आती है कि सब क्लियर है, क्लियर है। और आज जो सामान वगैरह पकड़ा भी जा रहा है उसकी भी संख्या कम है, और इसका असर ही देखने को मिला है कि आज हम भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 बन करके बैठे। बिल्कुल, इंदौर तो स्वच्छ बन चुका है, इंदौर शहर। आप कितनी क्रेडिट देते हैं निगमायुक्त मनीष सिंह जी को, क्योंकि आप तो राकेश सिंह के ज़माने में भी रिमूवल अधिकारी रहे। जो निगमायुक्त मनीष सिंह हैं इस वक्त, उनकी जो सख्ती है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, जो हमेशा वो सेट पर बने रहते हैं, आप उनको इसकी कितनी क्रेडिट देते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं राकेश सिंह साहब के भी ज़माने में रहा हूँ, मनीष सिंह साहब के ज़माने में रहा हूँ, दोनों मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों का काम करने का जो शैली है सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। लिहाजा मैं उस स्थिति में नहीं होता हूँ कि मैं दोनों के काम करने की शैली को कंपेयर कर सकूँ। वर्तमान स्थिति में मैं मनीष सिंह साहब के बारे में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी रहते हुए जो काम कर रहे हैं हम, इसमें 2 स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं हमारे साथ में। एक तो शुरू से काम करने की, चूँकि हमारी शैली ये रही है कि काम पे निकलेंगे तो काम होना ही है, लेकिन अब हमारे पीछे एक आवाज़ आती है कि निकले हो तो काम करके आओगे, खाली हाथ लौटना नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज हम लोगों की सुरक्षा को लेकर के आज हमें संतोष है, हमारा मनोबल ऊंचा है, क्योंकि पिछले दिनों में रिमूवल विभाग के साथ जो स्थितियां बनती रही हैं 2 साल के अंदर, हम लोगों पे कई तरह के हमले हुए, मुझ पर हमले हुए, एक हमारा जो आवारा पशु पकड़ने की गैंग है उसका साथी का तो एक हत्या ही हुई, मर्डर हुआ है, और इसके अलावा कई है कि मेरे पैरों पे पूरे निशान है पूरे इस तरह के चोटों के, लेकिन उसमें प्रतिकार स्वरूप हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो करना पड़ा वो हमने किया, और उस जो हमने हमें प्रतिकार स्वरूप करा उसको मान्यता मिली कि हमने कानून के अंदर कर रहते हुए किया। दूसरी बात ये है, एक अच्छी बात ये मनीष सिंह साहब के रहते हुए जो सबसे बड़ा हमें सपोर्ट मिल रहा है ये मिला है कि इनके रहते हुए जो प्रशासन पुलिस का नगर निगम के साथ जो सामंजस्य था ये पहले कभी नहीं था, जो अभी मिला है वो इस सामंजस्य का बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक बल है कि हमारे काम को धार मिली है। निश्चित रूप से जब सभी विभाग एक साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आप लोगों के मकान तोड़ते हैं, ठेले उठा लेते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता हो आपके लिए कि नहीं, सिंगम ने आके आज हमारा सामान उठा लिया, इस तरह की आपको कभी एहसास हुआ? देखिए साहब, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो दुश्मनी से देखते तो हैं। मैं शाद हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में, साहब हम शाद हैं, और नगर निगम आज सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है हिंदुस्तान के, बिल्कुल हमें कहूँगा जिस तरह से हिमालय है उस तरह से आज हम लोगों का स्वरूप उभर के आया। उसकी वजह यही है कि ये कानून को तोड़ने वाले लोग जो अपने
बल से, अपने पैसों के दम पर, अपनी गुंडागिर्दी से या अपने किसी दूसरे संबंध सोर्सेस से जो दबा लिया करते थे, आज वो उस स्थिति में नहीं है। और चूंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक तरह से जिस तरह से सीमा पे प्रहरी काम करता है, इस तरह से साहब रिमूवल दस्ता या इंदौर नगर निगम इंदौर शहर में प्रहरी के रूप में काम कर रहा, हम डरेंगे नहीं, जो आएगा हम उसके साथ वही परिणाम वही करके देंगे जो कि वो हमारे विरुद्ध कर रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोगों के अंदर जो प्रशासनिक रूप से जो भी हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, जो हमें सुदृढ़ता मिली है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अंदर एक विशेष बात कहना चाहूँगा, हम जो कार्रवाई करते हैं और जो स्वरूप में इंदौर आया है, इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जिस तरीके से मेयर मैडम का स्वरूप ऊपर के आया है, एक सुदृढ़ जो महिला के रूप में आई है, वो सुदृढ़ प्रशासक के रूप में आई है, सुदृढ़ चिंतक के रूप में उभर के आई है, ये हिंदुस्तान में अपने आप उदाहरण है। लिहाजा मेयर मैडम के साथ रहते हुए जो हमें राजनीतिक जो सुदृढ़ता मिली है, राजनीतिक जो शक्ति मिली है इस कार्य को करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए ताकत का काम करके रही है। हमसे बात कर रहे थे महेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें सिंगम के रूप में पहचाना जाता है और इंदौर नगर निगम उन पर नाज करता है। साथ ही निगमायुक्त मनीष सिंह ने जो उन्हें शेल्टर दे रखा है, महापौर मालिनी गोड का जो संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों को, उसी के चलते इंदौर शहर से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, फुटपाथों को खाली करवाया जा रहा है और किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डीजीएना न्यूज़ इंदौर।